कोरोना वायरस फैलने के डर से देशभर में भीड़ जुटने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में धार्मिक स्थानों पर भी बंदिशें लगाई जा रही है। शिरडी का साईं मंदिर, सिंगापुर स्थित शनिधाम और मदुरई स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शनार्थियों के लिए मंगलवार से अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया। मंगलवार को जस्टिस गोगोई ने इस मामले पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि संभवतः कल मैं दिल्ली जाऊंगा, पहले मुझे शपथ ले लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से विस्तार से बात करूंगा कि आखिर क्यों मैंने राज्यसभा जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग ने 31 मार्च तक देश के सभी संरक्षित स्थलों को बंद कर दिया है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भी मंगलवार से बंद कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि सभी मंत्रालयों को अपनी इमारतों में थर्मल स्कैनर लगाने के लिए कहा गया है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में मंगलवार को कोरोना वायरस से 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वायरस से देश में मौत का यह तीसरा मामला है। इससे पहले कलबुर्गी में 63 साल के एक व्यक्ति की और दिल्ली में 69 साल की महिला की जान गई थी। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। इसकी चपेट में आने से 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस ने भी अगले 15 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को कोरोना वायरस के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया। ईरान से लगे पाकिस्तान के सिंध में कोरोना वायरस के मामलों के अचानक बढ़ने से देश में डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 193 हो गई है। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 7 दिन के लिए सरकारी दफ्तर बंद रखने का फैसला किया है। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञ वायरस को लेकर दुनिया भर में हो रहे कामों पर नजर रखे हुए हैं। कुछ मरीजों पर रेट्रोवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल की मंजूरी ICMR के विशेषज्ञों की जांच के बाद दी गई है। अगले 2 सप्ताह बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि बैंक से जुड़ा अपना काम आप पहले ही निपटा लें। बैंकों के मेगा मर्जर के खिलाफ बैंक यूनियनों ने हड़ताल और त्योहारों की वजह से बैंक बंद रखने का फैसला किया। सोमवार को बाजार में आई गिरावट के बाद मंगलवार को भी बाजार 629 अंकों की गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सेंसेक्स में तेजी आने लगी। कारोबार बंद होने के बाद सेंसेक्स 810 अंक नीचे 30,579 पर बंद हुआ। निफ्टी 230 अंक नीचे 8,966 पॉइंट पर बंद हुआ।